गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड मैं हूं अभी कोटागिरी में। तो आपने मुझे देखा था जब हमने चेन्नई से कोटागिरी के लिए ट्रैवल किया था पिछले एपिसोड में। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट गो बैक एंड वॉच दैट। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो जस्ट डू दैट, बिकॉज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ओवरलैंडिंग ट्रिप का डे वन। मेरे पीछे का आप ये नज़ारा देख रहे हो, इट्स ऑल फिल्ड विद क्लाउड्स कम्प्लीटली, और हम जा भी उसी डायरेक्शन में रहे हैं। तो वंस आई विल रीच, मैं बताता हूँ आपको जगह का नाम, जो कि यहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर्स पे है, नॉट अ हाई लेवल ऑफ ट्रैवल। और मैं रुका था इस ब्लेस हिल बंगलो में। तो ये आप मेरी पहली वीडियो में देख चुके हैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे, राइट? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। अगर आप फैमिली के साथ भी आते हो, फ्रेंड्स के साथ भी आते हो, यू कम एज अ बैचलर, मेल और अ फीमेल, ट्रस्ट मी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, हाउस कीपिंग एंड द फैसिलिटीज यू गेट हियर, राइट, बहुत ही अमेजिंग है। चलो यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वी आर ऑल सेट, अपन रेडी हैं निकलने के लिए, और चलते हैं और मिलते हैं रास्ते पे। वॉइस कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर ड्राइविंग। तो अपन लेते हैं यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान और फिर निकल जाते हैं यहाँ से आगे। तो यार, अपन ने पैक कराए है अनियन एंड टोमेटो, ब्रेड है, एग्स हैं, और अपन ले रहे हैं चिकन सीख कबाब। तो आज क्या है कि टाइम हो चुका है अभी 3:30 बजे के लगभग का, बिकॉज ये जो 7 से 8 दिन का ट्रिप है ना, तो इसको बेटर प्लान करना ज़रूरी था। तो उसके लिए आई वेटेड फॉर सम लोकल्स टू कम, तो फिर उनसे बात हुई है, नाउ आई एम मूविंग। तो मुझे कुछ आज के लिए ऐसा चाहिए था विच आई कैन कुक ईजीली, तो इसलिए मैंने ले लिया कबाब्स। और बाहर का अभी दिखाता हूँ मैं आपको एक बार मौसम जब तक हो रही है बिलिंग। अभी जस्ट मैंने दिखाया था ना आपको कितने सारे क्लाउड्स थे यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे ही, और देखो कैसे वो गायब हो गए। तो हर 5 मिनट में ऐसा चेंज होता रहता है, और अगर दिख रहा होगा आपको वहाँ आगे, राइट, तो वहाँ ये सारा क्लाउड है, सामने ये वैली है और सामने सारा क्लाउड है। तो यार, अपन निकल चुके हैं कोना कराई के लिए। रोड तो आप देख ही रहे हो कितना नैरो रोड है, कि एक गाड़ी भी आ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक हिडन वैली है एंड वेरी लेस नोन है, तो अपन उसी तरफ बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको इसलिए दिख रहा है बिकॉज ये मेट्टुपलायम जो एक मेन रोड है बाहर, राइट, जो ये ऊटी तक भी जाती है, तो ये वहां पे मिलती है जा करके। सो यार, मेट्टुपलायम वाला रोड छोड़ दिया है और अब कोनवाकराई जो विलेज है उस तरफ हम जा रहे हैं। रोड देखो यार, व्यू, यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आता है। और मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको स्नैपशॉट ऑफ ऊटी। से मेट्टुपलायम रोड छोड़ के लेफ्ट कट अंदर जा रहे हैं टुवर्ड्स कोनवाकराई।
विलेज की तरफ। रिजॉर्ट से जो दिख रहा था सामने क्लाउड्स, अब हम उस हिल्स पे जा रहे हैं और ये पूरा ट्राइबल एरिया है एंड दीज आर हिल्स। तो चलो आज का ओवरलैंडिंग का फर्स्ट स्टे जो है हमारा कोनवाकराई में ही होगा। भाई साहब चारों तरफ इतने क्लाउड्स हैं और यार सोचो ये जुलाई का मौसम है, इतने क्लाउड्स हैं, मजा ही आ रहा है। आपको रोड पे दिख रहा है कितने सारे लोग चल रहे हैं, राइट। सो अनटच्ड प्लेस एंड खूबसूरती नेचर के बीच में एकदम हम जा रहे हैं। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइट हो रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूं, तो जो मैं फील कर रहा हूँ ना बस मैं आपको वो बता रहा हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, मैं पता नहीं इस अभी तक इस रोड पे 1 किलोमीटर चलाऊं और 3 बार गाड़ी रोक चुका हूँ। आपने अभी सारे स्नैपशॉट देख लिए, फोटो और वीडियोस, तो अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो चलो बढ़ते रहते हैं आगे। कमाल की बात यह कि रोड बहुत अच्छी है यार, रोड बहुत अच्छी है ना। इधर ऐसी जगहों पे जाने पे ऐसी रोड कहाँ मिलती है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्टेट हाईवे पे चल रहा हूँ जबकि ये स्टेट हाईवे नहीं है। वाह यार नजारा ही बदल गया यहाँ तो, मुझे नहीं पता है कितनी देर के लिए बट यह तो फुल ऑन नजारा बदल गया भाई। वो सुपर्ब। लाओ यार मैं दिखाता हूँ मोबाइल कैमरा से भी। देखो यार क्या मस्त है यार, मोबाइल ने तो लाइट ही लाइट कर दी यहाँ पे, और एक्चुअली में तो यहाँ अंधेरा है बट भाई ये इतना डेंस और ये खतरनाक है ना। हालांकि फ्रेंड्स है यहाँ पे, ये बहुत डेंस है और आज ही जिस रिजॉर्ट से मैं आ रहा हूँ उसके ऑनर ने अभी बताया कि सुबह ही एक टाइगर जो है देखा गया है नियर बाय में। तो कोई जगह का नाम उन्होंने बताया था मालूम नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं नियर बाय में है, संभाल के रहना पड़ेगा भाई। ये जब शुरू हुआ ना तो ये सुंदर था, अभी ये अति सुंदर हो गया है। ओहो भाई साहब आगे तो फॉग जमा हुआ है, क्लाउडी क्लाउड है। ओ कितना क्लाउडी है ये, भाई साहब देखो तो जरा क्लाउड्स के अंदर आ चुके हैं अपन, कितना अमेजिंग है यार ये, सुपर्ब। वाव यार वाव, खूबसूरती बयान नहीं कर सकते। इतना अमेजिंग है ना बता नहीं सकते भाई, ये कितना अमेजिंग है। तो ये एक विलेज शुरू हो गया है, एवलिन टी फैक्ट्री, दिस रोड ना, लेफ्ट हैंड साइड, थैंक यू सो मच। वाओ यार सामने तो देखो एक बार, चिकन्स। तो यार ये गांव है छोटे छोटे, आपका इतना भी आप सेट करके आ दो जीपीएस, लोकेशन थोड़ा बहुत आगे रहेगी, इसलिए जहां जहां डाउट हो वहां वहां पूछते रहो। वैसे तो अपन घूम ही रहे हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ पूछना बहुत जरूरी है यार। तो अब उन्होंने बोला तो इधर है टी फैक्ट्री, डाउन में आई थिंक यही टी फैक्ट्री है। ओके तो अब मैं यहाँ से देखते हैं थोड़ा आगे चल के, कहीं ना कहीं तो सेटअप करेंगे आज।
मर गए। भैया अपना हो गया। हो यार मुझे नहीं पता कैमरे से कैसा दिख रहा है भाई। यहाँ के फील सिर्फ यहाँ आके, कैमरे की कोई गारंटी नहीं ले सकते अपन। हो इट्स अमेजिंग यार, अमेजिंग, क्या बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ एक टूरिस्ट, आपने देख लिया पूरी वीडियो में, एक टूरिस्ट की गाड़ी, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है। इट्स वेरी मच अनएक्सप्लोर्ड भाई। अब यहां से अपन को देखना है, अपन को जाना किधर है। नीचे एक रोड जा रहा है ऊपर भी, वहां भी देखाते हैं और फिर नहीं तो अब सेटअप करेंगे। बिकॉज इसका मैंने सुना है कि डेड एंड है, तो वो देख लेते हैं अगर वो डेड एंड आ गया है क्या। तो हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं इस वक्त वैली के अंदर, जो हमारा टारगेट नहीं है यहाँ पे रुकने का, क्योंकि गूगल आंटी भी बार बार बोल रही है यू टर्न ले लो, इससे पहले फंस जाओ। तो अपन भी बस कुछ अब ऐसी जगह से यू टर्न ही लेंगे, मुझे लग रहा है डेड एंड आ ही गया। अच्छा अच्छा ओ ये जो लेफ्ट में फैक्ट्री है ना, अपन को इधर नहीं आना था। अपन को यहां से सीधा इधर जाना था। तो अब हम सही रूट पे हैं। वैसे ये सारा ट्राइबल्स का विलेज है और वैसे कोई एंट्री का रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि थोड़ा जंगल से सटा हुआ है ये, तो आपको दिख ही रहा है वेजिटेशन जिस हिसाब से हुआ है। यहाँ पे खेती भी है, जंगली पौधे भी हैं, मतलब जंगल भी है नीचे सारा, तो थोड़ा सा सेफली यहाँ रहना पड़ता है। तो मैं भी यही देख रहा हूँ कि बिफोर मैं गाड़ी को किसी ऐसी सिचुएशन पे ले जाऊँ जहाँ से कोई यू टर्न ही नहीं हो, तो मुझे बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है यहाँ पे। जैसे अभी ये कार पार्क्ड है बहुत अच्छी जगह पे। ओ वाओ यार, अगर यहाँ से कोई ध्यान ना दे, आप देख रहे हो यहाँ से अगर कोई ध्यान ना दे तो गाड़ी सीधा नीचे है। अगर आप गलती से भी थोड़ा गड़बड़ चला के ला रहे हो तो लुक एट द रोड यार, एंड लुक एट द क्लाउड्स। थैंक यू।
We are all set for camping. मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन. ये है हमारा कैंपिंग सेटअप. अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है इसलिए मैं अच्छे से सेटअप नहीं कर पाया हूँ टार्प को. अभी जो करना है ना जल्दी करना है बिकॉज यहाँ पे एनिमल्स का बहुत सारा बहुत ही ज़्यादा क्रॉसिंग है बेसिकली. तो पहले ही उन्होंने मुझे लोकलाइट्स ने बता दी थी ये बात कि एनिमल क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. तो लोकलाइट्स ने पहले ही गाइड कर दिया इसके लिए कि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स है, ये 100 मीटर पे जंगल है ना. और ये सब मैं सुबह दिखाऊंगा आपको. और आपको अभी टाइम के हिसाब से, मैं तो घड़ी भी नहीं पहनी, तो अराउंड 5:30 हो गए हैं. तो मुझे जल्दी से वाइंड अप करना है क्योंकि 5:30 बजे के बाद यहाँ पे शुरू होता है मूवमेंट एनिमल्स का और हर तरह के एनिमल्स आते हैं. तो कबाब सा डन. तो ये है मम्मी का मैजिक और ये हम थोड़ा सा डाल देंगे. ये मिक्स मसाला होता है तो बेसिकली इसमें मैंने सब कुछ ही मिक्स कर लिया था. तो यार ओट्स मैंने अच्छे से पानी में डाल दिए और मैं एक मिक्स मसाला लेके चलता हूँ जिसमें मैं सब कुछ ही मिक्स कर देता हूँ. तो वो बहुत पिंच सा मैंने डाला है इसमें पिंच पर. और ये है कबाब्स, तो ये कबाब खाए जाएंगे इस ओट के साथ. So you live in your car? Yeah. Seriously, yes. So you're from Delhi. Delhi? So what are you doing here? I'm on India travel. India travel. So you're from, your native is Delhi only? Yeah. I'm on India travel. So I'm going to sleep in my car. So cooking, everything you're doing is car only? Yeah. But how did you find this place? Travelers knows everything. Yeah. I know it's not easy, but keep searching, doing research, reading reviews. And then majorly I try to look for the ट्राइबल विलेजेस एरियाज व्हेन आई गो टू नीलगिरीज और वेस्टर्न घाट्स. ओके, ये मैंने खाना वाना बनाया तो इतने में ये भाई साहब आ गए. तो ये यहीं रहते हैं, इनका नाम है संतोष और ही इज़ वेरी हेल्पफुल. इन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया, बताया सब कुछ यहाँ पे कैसे कैसे रहने का है बिकॉज इट्स डेंजरस रात में यहाँ पे बिकॉज ऑफ जंगल है यहाँ पे, बाइसन्स है एंड देर अदर एनिमल्स ऑल्सो. तो आई जस्ट मेट हिम, सो थैंक यू सो मच संतोष. Thank you. And we are meeting in morning. You are always welcome to this place. And we are meeting in morning, yeah, right? Sure. We'll have the breakfast together. Breakfast in my home. Yeah. Oh, thank you so much. You are so nice. तो देखो यार, रात हो चुकी है और बहुत ही जबरदस्त नजारा है इस वक्त. 7:10 का टाइम है और ऊपर मून भी आपको दिख रहा होगा, सामने मून भी निकल चुका है. और वो देखो यार, सारे क्लाउड्स से कैसे भरा हुआ है ये. तो सुबह उठेंगे जल्दी और यहाँ से बनाएंगे टाइम लैप्स. एंड मुझे नहीं पता अभी किस डायरेक्शन से सनराइज होगा, बट वी विल सी कहाँ से होता है, तो विल कैप्चर दैट.
तो यार ये है आज का स्लीपिंग एरिया और ये बेड लगा है पूरे में। यहाँ अपन आज सोएंगे और सुबह उठेंगे तो यहाँ से दिखेगा पूरा नज़ारा। तो चलो घुसते हैं फटाफट कार के अंदर और अंदर चलते हैं, खाते हैं और फिर बात करते हैं। इट्स अराउंड 8 PM और मैं अभी सोने ही जा रहा था। तो थोड़ी देर पहले मैं अभी जिस रिजॉर्ट में रुका था, तो उनका ये रिजॉर्ट है हिज किशोर हाय एंड हिज किशोर्स फ्रेंड एंड आई एम गोकुल एंड हिज गोकुल सो दे ऑल आर फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड दे आर लकी, दे आर ऑलवेज बीइंग टुगेदर, सो दैट्स वन ऑफ द गुड पीस। सो द बेस्ट पार्ट इज दैट इवन आई वॉज स्टेइंग देयर जस्ट फॉर वन नाइट and you know Kishore helped me a lot in you know planning my trip for this 7 days in Nilgiri. So thank you so much Kishore, and see the time, you know, even I left his place, even now he just traveled right all the way, they all guys right, they traveled just to see me that I'm keeping safe. So thanks to each one of you. No problem. And thanks you go, no thanks problem. To you Gokul, last night you helped me a lot in terms of finding my things. You are a guest. It's a pleasure to host you over. It's a pleasure to help you all. Thank you so much, and that's so nice of you. Nice gesture, and I'm really happy that this time I'll be going back with, you know, 3 more friends, mm-hmm. right? Definitely. And it's always a good experience. Yeah. When you come to the remote place, right, and you meet people like this, it's always an amazing experience. So once again, thanks to all of you. Thank you for all your help. तो चलो भाई ये भी चले गए। तो भाई अपनी ये ओट्स रेडी हैं और इसके साथ बनाए हैं हमने ये सीख कबाब। तो यार ये है अपना आज का सेटअप। ये बॉक्स बन गया है मेरा टेबल और यहाँ पे भी कुछ सामान रखा है और अपन आराम से लेटे हैं यहाँ पे। टाइम हो गया 9 बजे का, क्योंकि जो अभी फ्रेंड्स आए थे मिलने के लिए ये लोग भी, तो इनसे मिले आराम से और मिलके फिर अब ये लोग भी चले गए हैं, तो अपन अब खाते हैं जल्दी से खाना। चलो यार ऑल सेट फॉर डिनर। मेहनत करने के बाद खाना खाने का मज़ा अलग है और उसके बाद सोने का। बस पानी डाल के 2 पैकेट ओट्स मस्त बना लिए ताकि मेरा पूरी रात का काम हो जाए, और ये तो है ही। तो ओट्स तो अच्छे लग रहे हैं, लेट्स ट्राई दिस। मस्त है यार, थोड़ा ठंडा हो गया क्योंकि जब मैंने सारा रैप अप किया और उसके बाद जो पहले संतोष आया था उससे मिला, और जैसे फिर अंदर आया मैं सोचा खा लेते, थोड़ा तो गुनगुना होगा, तो ये लोग आ गए, फिर इनसे मिलके अब आए। अभी खाना एकदम चिल्ड है, मस्त चिल्ड। तो यार टाइम हो चुका है 9:30 का एंड खाना वाना खा लिया है, मैं आराम से अब लेट गया हूँ यहाँ पे। काफ़ी अच्छी जगह मिल रही है, 3 फीट से थोड़ी ज़्यादा जगह मिल रही है, मतलब ऐसे, तो आराम से लेटे हैं। तो आज का एपिसोड करते हैं यहीं पे ख़त्म, एंड आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। एंड दिस इज़ समथिंग न्यू कि हम ओवरलैंडिंग कर रहे हैं, वो भी विटारा ब्रेज़ा में। तो अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि किसी ने ओवरलैंडिंग विटारा ब्रेज़ा में इंडिया में की है, तो आई एम होपिंग आई एम द फर्स्ट वन। बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, स्टे कनेक्टेड। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट जरूर करना यार वीडियो पे। और हमारे पास अभी हैं 5 दिन और, तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, सी यू, टाटा, बाय बाय।